आम आदमी के लिए क्या मतलब है इस फैसले का, यह जानने के लिए सीधे रुकेंगे निपुण का। निपुण, इस फैसले से आम आदमी पर क्या असर होगा? देखिए, आम आदमी को आज एक नया अधिकार मिल गया। ये अधिकार उसे था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक छुपा हुआ अधिकार था। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि पुलिस आपके घर में सीधे नहीं आती थी, बल्कि वारंट लेकर आती थी। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं निजता आपका हक है, पर इसे कहीं भी किताब में जगह नहीं थी, संविधान की किताब में। अब जो अनुच्छेद 21 है, उसे सम्मान के साथ जीवन का अधिकार ही नहीं बल्कि निजता का अधिकार भी उसमें अब जोड़ दिया गया है, जो कि संविधान में शुरू से नहीं था और पहले जजमेंट भी इसके खिलाफ आ चुके हैं। इससे सीधा सीधा ये होगा कि सरकार कल को कोई भी नियम कानून बनाती है तो एक नागरिक के पास ये अधिकार होगा कि वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और बताए कि किस तरह से उसकी निजता का हनन हो रहा है, क्योंकि निजता अब मौलिक अधिकार है। इसलिए आम आदमी को अधिकार मिलता है कि वो इसे चुनौती दे। हालांकि व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका असर धीरे धीरे ही समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो जानकारी आप किसी भी सरकार को के किसी भी विभाग को देते हैं, वो आमतौर पर उसी पर्पस से यूज की जाती है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन अब ऐसा करना और भी ज्यादा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि निजता अब मौलिक अधिकार का दर्जा रखती है और उसका हनन नहीं किया जा सकता। निपुण, क्या ये फैसला सरकार के लिए झटका है? देखिए, सरकार के लिए निश्चित रूप से ये झटका है। पहली बात, आधार का जो मामला है जिसे खारिज करने की मांग सरकार ये कहकर कर रही थी कि याचिकाकर्ता निजता के अधिकार का मसला उठा रहे हैं, जबकि निजता तो मौलिक अधिकार है ही नहीं। हमें संविधान में दिखा दीजिए कि कहां निजता की बात लिखी है। 50 और 60 के दशक के दो फैसलों का सरकार ने हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार मानने से मना किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों फैसलों को पलट दिया और कहा कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। यानी सरकार के लिए पहला झटका ये कि सरकार की हार हुई है। दूसरा झटका ये कि आधार का जो मामला था जिसे सरकार खारिज करने की मांग कर रही थी, उसकी सुनवाई अब होगी। सरकार को आगे क्या करना होगा? सरकार को आगे ये करना होगा कि ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि आधार के लिए जो भी जानकारी ली जाती है